गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या बहुत सारी ऑप्शंस होना भी एक नेगेटिव पॉइंट है? आप सब बोलोगे जब ऑप्शंस आपके साथ बहुत हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो उसमें नेगेटिव क्या चीज़ है? अगर आपको एक ऑप्शन नहीं समझ आई तो दूसरी ले लेंगे, दूसरी में बात नहीं बनी तो तीसरी ले लेंगे। चलो मैं इसके नेगेटिव पॉइंट को मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ आपके साथ। 90s की बात है, जब हम छोटे थे तब केबल टीवी स्टार्ट ही हुआ था, तो उसमें दो चार चैनल आते थे, जी टीवी, सोनी आते थे और सीरियल्स भी लिमिटेड थे, तो हम सारे सीरियल्स को अच्छे से एंजॉय करते थे, पूरा देखते थे, क्योंकि हमें पता है इतने ही सीरियल आने, तो अच्छे से उसको पूरे एपिसोड्स देखते थे। और केबल टीवी से पहले भी टेलीविज़न में जो जो सीरियल्स आते थे लिमिटेड आते थे, तो हम उसको पूरा देखते थे। जैसे महाभारत हो गई, करमचंद, ये सब चीज़ें मैं बहुत एंजॉय करता था, सारी चीज़ें मैं पूरी देखी, मैंने पूरे एपिसोड देखे और अच्छे से उन चीज़ों को एंजॉय किया, और वो मेमोरीज मुझे अभी भी याद हैं, उनको मैं रिलिश करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे केबल टीवी की रीच बढ़ी, बहुत सारे चैनल्स आ गए, बहुत सारे सीरियल्स आ गए, उसका मैं तो शुरुआत में बहुत खुश हुआ कि अब ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, सारी चीज़ें मैं देखूंगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली एंजॉय नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस आ गए, मैंने कहा ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब देख लेता हूँ मैं। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं कोई भी चीज़ अच्छे से ना देख पाया और ना उसको एंजॉय कर पाया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऑप्शंस होना भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको दे सकता है। अब आपके पास इसका रीज़न क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते या उसमें आगे नहीं बढ़ पाते? देखिए क्या होता है, व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, जब आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं, आप पहले सोचते हैं कि इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ये ऑप्शन मुझे अच्छी लग रही है, इसमें मेरी ग्रोथ है, मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है कि मैं ज़्यादा आगे तक जा पाऊँगा, आप उस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। धीरे धीरे आपको उसमें मज़ा भी आने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मोनोटोनस हो जाती है, आपको फिर बोर्डम लगने लग जाती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, आप उससे फिर चैलेंजेस से डरने लग जाते हो। डरने इसलिए लग जाते हो क्योंकि आपको पता है मेरे पास दूसरी ऑप्शन भी है, फिर आप बोलते कि छोड़ो इसको, इसमें तो चैलेंजेस भी हैं और इसमें अभी बोरिंग है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये वाली ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर आप दूसरे ऑप्शन में चले जाते हो, उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है, बोर्डम, कुछ चैलेंजेस, फिर आप बोलते हो इसको भी छोड़ो, तीसरी ऑप्शन तो है ना, तीसरी के बाद चौथी भी है, पांचवी भी है, ये सब आप ट्राई करते रहते हो, और इसका रिजल्ट ये होता है आप किसी भी एक ऑप्शन में आगे नहीं बढ़ पाते, सब ऑप्शन थोड़ी थोड़ी ट्राई करके छोड़ देते हो, और आप बोलते हो उसमें तो ये था, मज़ा नहीं आया, उसमें तो ये सब चैलेंजेस थे, और तीसरे में तो स्कोप नहीं था, चौथे में मैं करियर बना के क्या करूँगा, ये सब चीज़ें आप बोल के एक्सक्यूजेस दे के सब चीज़ें छोड़ देते हो, और उसका रिजल्ट ये होता है कुछ भी अचीव नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं पाया, किसी में भी ग्रोथ नहीं हुई, टाइम आपके पास उतना ही था, सब ऑप्शंस में आपने थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट किया, किसी में भी आप आगे नहीं बढ़ पाए, किसी में भी ग्रोथ नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एक से बात नहीं बनी तो दूसरे में चले जाएंगे, ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो हमारा शरीर है, ये कम्फर्ट जोन की तरफ जाने की ज़्यादा सोचता है, थोड़ी सी भी परेशानियाँ, थोड़ी सी भी बोर्डम महसूस होती है, आप एकदम से फटाफट दूसरी ऑप्शन में शिफ्ट हो जाते हो, दूसरी से तीसरे, तीसरे चौथे। तो जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होंगी, हाँ जो भी ऑप्शंस आप ट्राई करो, सोच समझ के ट्राई करो, लेकिन अपनी ऑप्शंस को लिमिटेड रखो। जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होंगी, आप बोलेंगे मेरे पास यही चीज़ है, इसमें ही मुझे जाना है, इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है। कोई भी ऑप्शन आप लोगे, उसमें परेशानियां भी आएंगी, वो मोनोटोनस भी होगी, बोर्डम भी होगा, बेकार भी लगेगा, सब चीज़ें, हर एक ऑप्शन में ये सब चीज़ें हैं, अप एंड डाउन हर एक ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होगी, आप बोलोगे अब इसी में आगे जाना है, इसी में करना है, चाहे आए ऊपर जाएं या नीचे गिरें, इसमें ही आगे बढ़ते जाना है। तो उसका रिजल्ट ये होगा, आप ट्राई करते रहोगे, कोशिशें करते रहोगे, गिरने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी, नहीं, इसमें आगे बढ़ते जाओगे, और कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि यू स्टार्ट ग्रोइंग, आपने कुछ अचीव कर लिया, आपके मन को सेटिस्फेक्शन होगी। क्यों सेटिस्फेक्शन होगी? क्योंकि उस ऑप्शन में आपने अपना टाइम दिया, अपना मेहनत दी आपने अपनी, उसमें खुशी भी थी, उसमें आपको दुख भी था, जब आप उससे कुछ अचीव करोगे, यू फील सेटिस्फाइड, आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप अपनी ऑप्शंस को लिमिटेड रखिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप
कुछ भी पकड़ के आगे बढ़ जाए, सोच समझ के अपनी ऑप्शंस लीजिए और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होने का भी मैंने आपको एक नेगेटिव पॉइंट बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही नेगेटिव होता है, लेकिन हम अपने माइंड को कुछ इस तरीके से कंडीशन करें कि हम लिमिटेड ऑप्शंस में जाएं, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स अच्छे से देख लें और उसमें फिर आगे बढ़ें, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो एक छोटी सी ये टिप मैंने आपको बताई आगे बढ़ने के लिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।